आपको बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस सिंह और मिस्टर सिंह कि आप 8 साल बाद फिर से ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे 8 साल पहले दिल्ली IPA तो कनु गुप्ता से मिले थे, तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी जो आप कंसील नहीं कर पा रहे थे? मैम मेरा ट्रीटमेंट बहुत लंबा चला था, 6 ईयर। हाँ जी, डॉक्टर रूपा कौशिक के यहाँ पे तो उन्होंने डॉक्टर ने रेफर किया था। अच्छा अच्छा, डॉक्टर अनु गुप्ता के पास। अच्छा, दिल्ली IVF सेंटर में। तो मैं इसी उम्मीद से आई थी कि शायद मेरा यहाँ पर हो जाएगा बेबी, और वो मुझे सक्सेसफुल मिला भी रिजल्ट। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रायल में आया या दूसरी बार में? मेरा ये सक्सेस सेकंड साइकिल में ही सक्सेसफुल हुआ था, फर्स्ट साइकिल पे नहीं हो पाया था क्योंकि मैं फेल हो गया। सेकंड साइकिल में कंसीव हुआ बाय यूजिंग द एग डोनर। अच्छा, और अभी आपके बेटे कितने साल के हो गए? ये 8 ईयर का हो गया, 8 ईयर्स का। चलिए मुबारक हो, अब आप दूसरे बेबी के लिए आए डॉक्टर गुप्ता से मिलने। यस मैम, डॉक्टर गुप्ता पे हमें फेथ है, इसीलिए हम लोग दोबारा से आए हैं क्योंकि इसकी बहुत इच्छा है कि दूसरा बेबी भी चाहिए। जी ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि दो हो जाएंगे तो इनके लिए अच्छा है, कंपनी ने मिल जाएगा उसको बच्चे को। और दूसरा ये भी तो है ना, आप लोग के लिए भी ठीक ही है, जब एक बार हुआ है तो दूसरे बार ट्राई करने में क्या है। और मैम बहुत सारे लोग हैं जो इनफर्टिलिटी को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो उनके लिए कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे या क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस तरीके से डिस्करेजमेंट में ना जाएं? नहीं, एक फेथ बना के, एक आशा बना के तो रखनी ही चाहिए, तभी हमें वो मिल पाती है। और मेरे को तो पूरा फेथ है दिल्ली IVF सेंटर पर कि यहाँ से मुझे मिला था। मैंने मतलब मुझे लग रहा था एक बार ओके कि शायद नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब दूसरी बार हुआ और सक्सेस हो गया रिजल्ट, तो फिर अब मुझे दोबारा विश्वास है, इसीलिए मैं दोबारा से आई हूँ कि मुझे यहीं से ही मिल सकता है। नहीं, हमने कई लोगों को रेफर भी किया, उनके यहाँ भी बिल्कुल यहीं पर रेफर किया, हमने कम से कम 8-10 केस यहाँ पे भेजे हैं और वो उनके सक्सेसफुल हुआ है। चलिए, आगे के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।